हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। टुडे आवर स्टडी ऑफ क्लास सेवंथ चैप्टर फोर सॉल्व द इक्वेशन वन वेरिएबल इक्वेशन। अपने स्टूडेंट अपने पिछले वीडियो में अपने इक्वेशन सोल्व करना स्टडी किया था। अब अपने पास में देखो क्लास थर्ड अपने पास सेवंथ में चैप्टर फोर में एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर थर्ड अपन स्टार्ट करेंगे। अपन ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड अपन ने स्टडी कर लिया था। अब अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री में अपने को स्टूडेंट सोल्व द इक्वेशन, इक्वेशन अपने को क्या करना है सोल्व करना है। तो देखो थर्ड वाला क्या है, गिव द स्टेप्स यू विल डू टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सोल्व द इक्वेशन। अपने को इस पे वेरिएबल क्या करना है सेपरेट करना है और अपने को सोल्व द इक्वेशन, इक्वेशन सोल्व करके अपने को वेरिएबल का वैल्यू क्या करना है फाइंड आउट करना है। अपने ओनली स्टूडेंट वन वेरिएबल इक्वेशन चलती है, ओनली फॉर वन वेरिएबल इक्वेशन। तो अपने को वन वेरिएबल का वैल्यू क्या करना है फाइंड आउट करना है। ओनली वन वेरिएबल इक्वेशन में वन वेरिएबल का वैल्यू क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो अपने पास में स्टूडेंट देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है, फर्स्ट में देखो अपने पास में इक्वेशन है 3n - 2 = 46। अपने पास में 3n का वैल्यू फाइंड आउट करना है, किससे अपन मल्टीप्लिकेशन करें उसमें सेपरेट बाय 2, तो अपने पास में रिजल्ट फाइंड आउट होता है 46। तो अपने पास में स्टूडेंट वेरिएबल नंबर ओनली n है, तो अपने को n का वैल्यू क्या करना है फाइंड आउट करना है। सो स्टूडेंट स्टार्ट द क्वेश्चन। अपने पास में फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो 3n इक्वल ऑलरेडी डिजिट 46, इक्वल ऑलरेडी डिजिट 46, माइनस टू ऑफ ट्रांसलेट प्लस टू। तो 3n इक्वल 46 सम 2 48, 46 प्लस 2 48। अपन ए स्टूडेंट माइनस टू का ट्रांसलेट क्या है इक्वल के, तो माइनस टू ऑफ ट्रांसफर प्लस 2, 46 प्लस 2 48। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n का वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है। तो n इक्वल 48, 3 मल्टीप्लाइड बाय डिवाइड, तो n इक्वल 3 1 जा 3 118, 3 6 जा 18, तो n ऑफ वैल्यू 16। अपने पास स्टूडेंट n का वैल्यू फाइंड आउट होता है 16, तो वो वेरिएबल नंबर अपने पास n ऑफ वैल्यू अपने पास आता है 16। इसी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट अपन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5n प्लस 7 इक्वल 17, इज वेरिएबल नंबर 5, फाइंड द वैल्यू m। अपने पास इज वेरिएबल नंबर है n, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, तो n फाइंड द वैल्यू ऑफ m, n मल्टीप्लाई बाय 5, n सम बाय 7, रिजल्ट बाय 17, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो अपने पास में फाइंड देखो 5n इक्वल 17 प्लस 7 ऑफ ट्रांसलेट माइनस 7, तो 5n इक्वल 17 माइनस 7 10, 17 माइनस 7 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, तो m इक्वल 10, 5 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड, तो 5 m का डिवाइड किया 5 टू जा 10, 5 टू जा 10, m ऑफ वैल्यू 2। अब अपने पास में सी के अकॉर्डिंग अपन स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे सी। तो उसमें देखो अपने पास में 20p/3 इक्वल 40, यूज द डेनोमेटर बाय 1, यूज द डेनोमेटर बाय 1। अब अपने पास में देखो स्टूडेंट टू फ्रैक्शन है, फर्स्ट फ्रैक्शन एंड सेकंड फ्रैक्शन, बिटवीन साइन इक्वल, डू द क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अपन स्टूडेंट करेंगे डू द क्रॉस मल्टीप्लाई, डू द क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अपन स्टूडेंट देखो डू द क्रॉस मल्टीप्लाई 20p का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 से और 40 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 20p 1 जा 23 और 43 जा 120, तो p इक्वल 120, 20 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड, 0 से 0 कैंसिल, तो 2 6 जा 12, तो p ऑफ वैल्यू 6। अपने पास में स्टूडेंट देखो p ऑफ वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ 6। अपने से कोई स्टूडेंट देखो फर्स्ट पे अपने पास वेरिएबल
मल्टीप्लाई बाय डिवाइड 48 डिवीजन बाय 3 16। तो अपने पास में स्टूडेंट वेरिएबल नंबर ऑफ वैल्यू फाइंड आउट 16 n n ऑफ वैल्यू 16 इट इज वेरिएबल नंबर ऑफ p फाइंड द सॉरी फॉर स्टूडेंट इट इज वेरिएबल नंबर ऑफ m फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो 5n + 17 = 17 + 7 ऑफ ट्रांसलेट - 7 17 सेपरेट बाय 7 10 5 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड 10 मल्टीप्लाई बाय 5 2। नेक्स्ट अपने पास स्टूडेंट आता है स्टार्ट 23 अपॉन 3 इक्वल 40 यूज द डिनोमिनेटर बाय 1 टू फ्रैक्शन ऑफ बिटवीन साइन इक्वल टू फ्रैक्शन ऑफ बिटवीन साइन इक्वल डू दे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 20 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई बाय 1 और 40 मल्टीप्लाई 3 20 मल्टीप्लाई 3 120 p और 40 मल्टीप्लाई बाय 3 120 20 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड 20 डिवाइड बाय 120 6। इसी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट अपन नेक्स्ट अपन लास्ट इसका करते हैं ये वाला 3p अपॉन 10 इक्वल 6 अपॉन 1 अपन इस स्टूडेंट को टू फ्रैक्शन ऑफ बिटवीन साइन इक्वल टू फ्रैक्शन ऑफ बिटवीन साइन इक्वल डू द क्रॉस मल्टीप्लाई डू द क्रॉस मल्टीप्लाई डू द क्रॉस मल्टीप्लाई 3p मल्टीप्लाई बाय 1 और 6 मल्टीप्लाई बाय 10 3p का 1 से मल्टीप्लाई किया 3p और 6 का 10 से मल्टीप्लाई किया 16 तो p इक्वल कितना आ गया 16 3 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड तो 3 डिवाइड बाय 16 20 तो p ऑफ वैल्यू 20। अपने पास स्टूडेंट को p का वैल्यू फाइंड आउट होता है 20। इसी के नेक्स्ट अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट अपने पास में 4 क्वेश्चन आउट होता है 9। इसी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट नेक्स्ट अपने पास में
यूज द डेनोमीटर वन, यूज द डेनोमीटर वन। अपने पास में फ्रेंड देखो टू फ्रैक्शन ऑफ इक्वल साइन टू देन कॉस मल्टीप्लाई, टू देन कॉस मल्टीप्लाई, पी इंटू मल्टीप्लाई बाय वन और फाइव इंटू मल्टीप्लाई बाय फोर, पी वन था पी फाइव फोर था ट्वेंटी, पी ऑफ वैल्यू फ्रेंड फाइंड है ट्वेंटी। अपने पास में देखो नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है यूज द डेनोमीटर y1, यूज द डेनोमीटर y1, डू द क्रॉस मल्टीप्लाई। अपने पास में फ्रेंड आता है डू द क्रॉस मल्टीप्लाई, डू द क्रॉस मल्टीप्लाई, तो माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय वन और फाइव मल्टीप्लाई बाय थ्री। ओके फ्रेंड क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय वन और फाइव मल्टीप्लाई बाय थ्री, प्लस माइनस माइनस, पी वन जा पी फाइव थ्री जा फिफ्टीन। तो अपने पास स्टूडेंट देखो ओनली अपने को p का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो p इक्वल माइनस पांच से लो माइनस फिफ्टीन। अपने पास देखो स्टूडेंट अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन दिया है टेन p इक्वल टेन, फाइंड द वेरिएबल नंबर ऑफ p, टेन मल्टीप्लाई बाय डिवाइड जीरो टू जीरो कैंसिल, वन डिवाइड बाय टेन टेन, तो टेन पी प्लस हंड्रेड इक्वल प्लस टेन ऑफ पांच से माइनस टेन, हंड्रेड माइनस टेन नाइनटी, टेन मल्टीप्लाई बाय डिवाइड तो टेन डिवाइड बाय नाइनटी नाइन का टेन नाइन का नाइनटी। अपने पास में देखो नेक्स्ट पी अपॉन फोर इक्वल फाइव अपॉन वन, डू दे क्रॉस मल्टीप्लाई, डू दे क्रॉस मल्टीप्लाई, पी मल्टीप्लाई बाय वन एंड फाइव मल्टीप्लाई बाय फोर, तो पी वन जा पी फाइव फोर जा ट्वेंटी, फाइव फोर जा ट्वेंटी। नेक्स्ट आता है पी माइनस पी अपॉन थ्री इक्वल फाइव अपॉन, डू दे क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस पी मल्टीप्लाई बाय वन थ्री मल्टीप्लाई बाय फाइव, माइनस पी वन जा पी फाइव थ्री जा फिफ्टीन, माइनस साइन चेंज माइनस का फिफ्टीन। इसी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट अपने क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ओके स्टूडेंट थैंक्स।